अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने फिर से एक बार हमें माह रमज़ान का महीना नसीब किया है माशाल्लाह। और आज का पहली सहरी है, तो चलिए देखते हैं सालेहा आज सहरी में क्या बनाने वाले। तो सालेहा, यहाँ पर क्या कर रहे तुम? मैं खाना गरम करती हूँ। खाना गरम कर रहे हैं? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। तो देखो सालेहा, दो दो टोप में चावल गरम कर रहे हैं। और यहाँ पर कल शबाना भाभी ने रात में सालन दिए थे, तो वो यहाँ पर रखा हुआ है। और माशाल्लाह रात में अंडा तोड़ फोड़ और दाल और रोटी माशाल्लाह। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, तो रोटी सालेहा ने बना दिए हैं। कहाँ है? अंदर है, देखना पड़ेगा। चलो, तो सालेहा ने रोटी भी बनाए हैं गाइस। तो आप लोगों को दिखाता हूँ आज की सहरी का टाइम क्या है। ये आप सब देख सकते हैं, आज की सहरी का टाइम है, मेरे ख्याल से ख़त्म होने का टाइम है। हम 4 बजे, 4:30 बजे खाना शुरू कर देते हैं। 5:26 पर सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए भाई, हमारे दोनों प्यारे प्यारे बच्चे सो रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे फातिमा है और यहाँ पे अरहान, देखो एकदम मस्त है भाई, फैल के सो रहे बच्चे लोग का। सही है, जब तक छोटे टेंशन नहीं है आराम से सो, कुछ टेंशन नहीं है, ना नमाज की ना रोज़े की, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है माशाल्लाह। जब बड़े हो जाएंगे तब फिर लोगों सिखाना। गुलाम भाई ऑफ बनाया माशाल्लाह। और पिछले साल तो आप लोग ने देखे रहेंगे मेरे ब्लॉग में, साहिल भी था मेरे घर पे, मतलब अकेला रहता था, आ जाता था सहरी में वो। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, पिछले साल सालेहा नहीं थे माशाल्लाह, इस साल है। तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है भाई, हमारी प्यारी प्यारी वाइफ है घर में बनाने के लिए खाना। और सालों हो गए तुम्हारा सब गर्म करके, चलो बैठते हैं। और गाइस, आप लोगों को मैं थोड़ा सी बाहर के नज़ारे शेयर करता हूँ, देखते हैं बाहर क्या माहौल चल रहा है। कोई उठा के नहीं उठा, देखते हैं। अरे माँ मेरी, एकदम सन्नाटा है, अभी आने वाले। वो मेरे ख्याल से स्पीकर है वो। अभी कैसा 5:23 का एंड टाइम है ना, उधर पे 26 है लेकिन थोड़ा सी पहले हुए हैं, तो इसी वजह से पब्लिक कोई बाहर नज़र नहीं आ रही है। अभी देखना, थोड़ा वक्त हो जाने दो, ऐसी पब्लिक नज़र आएगी माशाल्लाह। तो गाइस, हम लोग बैठे हैं अभी यहाँ पर सहरी करने के लिए माशाल्लाह। अरे माँ मेरी, नहीं 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 भाई तुम सो, अरे मेरा बच्चा सो जाओ, पिछले साल ये दोनों बच्चे लोग भी नहीं थे, सो जाओ बेटा, छो जाओ, छोके मार रुको ना, लेकिन मेरे पास सही ना देखा क्या हुआ बेटा, झोंके मार रहे एकदम एकदम नींद में, एकदम नींद में देखो ये रोया, ये रोया, ये रोया 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 आँख नहीं खुल रही है मेरे बच्चे की, झोंका मार रहा एकदम। ए डिचम, ए डिचम 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 डिचम, ए कुछ 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 नींद में। ए सो जाओ बेटा, सो जाओ, सो भी गया मस्त है, मैं जाना था, चलेगा। तो चलिए गाइस, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर सहरी करने के लिए, आप लोग भी आइए सहरी। चलो भाई, सहरन भी बच चुका है, सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है, चलो अपन भी चलते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड लोग, कैसे हो आप? उम्मीद आप सब कैसे होंगे। आज ब्लॉग शुरू करते हैं, आप लोगों का वेलकम है सालिया शिक्षक के ब्लॉग में। तो मैं पपला जा रही हूँ, ज़्यादा हो गई तुम्हारी लगता तो अरहान ना भाई बीच में उड़ गया था ना, तो उसको देखो हम लोगों के झूले में डाले हैं। और फातिमा तो माशाल्लाह नीचे ही, हाँ वहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं अभी। ये बटली घर पे जा, बचकाने लोग बहुत भटकते हैं यहाँ से। क्या बात है माशाल्लाह भाई, बजर में तो एकदम भूल है। नमाज की तरह फर्ज़ आइन है, फर्ज़ आइन का मतलब होता है इसका इनकार करने वाला काफिर।
तो हमारे आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमजान मुबारक हो माशाल्लाह आप सबको। और क्या बोलते हो भाई, रमजान मुबारक भाई, आपको भी मुबारक। अरे माशाल्लाह ईद मुबारक कर रहे हैं। अरे अपना इसी जैसा तुम उससे इस्तेमाल के बाद दिखे ही नहीं बोलता, तुम ही नहीं दिखे बोल दिया। अरे क्या बात है भाई, सालेहा ने तो दिल खुश कर दिया यार मेरा। और हो गई है एकदम प्यारी सी सुबह। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस हमारी मॉर्निंग हो गई है और नहा धो के माशाल्लाह एकदम मस्त फ्रेश हो गया हूँ मैं। आँखों में सुरमा भी लगा लिया क्योंकि भाई अभी रमज़ान का माशाल्लाह प्यारा प्यारा महीना चल रहा है, तो खुद को भी अच्छे से रखेंगे इंशाल्लाह। और नेकी वाला महीना, एक नेकी की 70 नेकी मिलती है और एक गुनाह का नेकी करने वाला बना है। हाँ शालो अरहान, फातिमा देखो फातिमा उठ गई है। बाबू तुम रात में छोड़ देते ना तो तुमको मैं नहीं ले पाया वीडियो में। कैसे हो, अभी उठे? चलो सबको सलाम कर दो बेटा, बोलो जेनी है। हाँ अरहान, अरहान तुम बोलो रमजान मुबारक। हाँ अरहान बोल दिया, तुम बोलो रमजान मुबारक। नहीं बोली। फातिमा मम्मी क्या पढ़ रहे हैं? कुरान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नमाज नहीं पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे। कुरान क्या पढ़ रहे? हाँ माशाल्लाह। तो सालेहा ने फ्री टाइम पे सोचे है कि भाई पूरा कुरान मुकम्मल करना है, तो माशाल्लाह क्या कर रहे थे। हाँ मम्मा के बाजू में बैठ के बैठे तुम कुरान सुन रहे हो। जो पिछले साल हम लोग का रमजान गुजरा था माशाल्लाह, पहला रोजा हम लोग का जुमा में था। हम आ गए घर पे। फातिमा क्या कर रहे तू? है तुम्हारी स्माइल में फिदा हो जा मेरी जान। अच्छा खाना खा रहे इसके अंदर से निकाल के। अरे बाप ले बाप, जल्दी हो गई मेरी बेटी को। अरहान क्या हुआ? चलो आप क्या करने जा रहे हैं? नमाज पढ़ने जा रहे हैं। नमाज पढ़ने जा रहे हैं माशाल्लाह। चलो ठीक है पढ़ लो, तुम्हारी आँख कितनी लाल लाल दिख रही है। बाप रे बाप। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अफ्तारी लेने के लिए और हमारे साथ में देखो हमारे वसीम भाई भी है। क्या बोलते भाई, और हमारे शफीक भाई और उमर। हम लोग ना आज जल्दी आ गए हैं। हम लोग पिछली बार तो असर की नमाज़ के बाद ही आते थे, लेकिन आज असर की नमाज़ के पहले आ गए हैं क्योंकि भाई टाइम का थोड़ा सी क्या बोलते अपना मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना, तो इस वजह से हम लोग पहले ही आ गए हैं। और हम लोग आए हैं आज़मी नगर में लेने के लिए। तो चलो आप लोगों को मैं आज़मी नगर का कुछ नज़ारा दिखाता हूँ। अच्छा भाई एक नंबर माशाल्लाह, अल्लाह की देखो इतनी नेमत है। और रमज़ान के महीने में बटने वाली है। अरे माँ यार मेरे को यहाँ पे ना जैसे आ रहा सदर लेडीज बहुत नज़र आ रही है। तो आप सब देख सकते हैं रमज़ान का पहला रोज़ा है और माशाल्लाह यहाँ पर आज़मी नगर में कितनी बरकत है, कितने लोग यहाँ पर हैं माशाल्लाह। हमारे शफीक भाई और वसीम भाई तो उधर ही खड़े हो गए पीछे। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारा चैनल है क्या? हाँ भाई यूट्यूब पे चैनल है ना, यासीन शेख ब्लॉग है चैनल। ठीक है हाँ। पहले दिन ही माशाल्लाह देखो इतनी पब्लिक देखने मिल रही है अपने को यहाँ पर। चलो लेते हैं यहीं कहीं से आगे से। वसीम भाई ना भाई एकदम गलत जगह पे लेकर आ गए हैं हम लोग को, सिर्फ हम लोग आगे गए और वापस अभी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे भाई, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे सब करेंगे वाइट 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 है सही में। सात नंबर पर पता ही जगह कहाँ मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा अंकल की दुकान पर लेने के लिए। क्या यूट्यूब का? हाँ भाई। और तो गाइस मैंने ले लिया कलिंगड़, कलिंगड़ 30 रुपये किलो चल रहा है ठीक है, तो मैंने 1.5 किलो ले लिया भाई। मारो ना और अभी लोग बाकी है, तुम लोग यहाँ से ले रहे कहाँ से लेंगे? बस हाँ भाई दोनों आधा दे रहे ले रहे।
हाँ लेके आ जाए। कलिंगर नहीं ऐसे ले रहे क्योंकि कलिंगर ना यहाँ पे ला ले, बाकी सब पपैया वपैया लेके दूसरी दुकान से वो सामने पपैया सामने नज़र आ रहा है अच्छा वाला अंकल के पास है क्या सही है देखो हाँ इतने दूर लेकर आया अब बोलता है 7 नंबर पर वैसा मार्केट नहीं लगता। हम लोग तीनों ने सिर्फ एक ही जगह से कलिंगर लिए हैं अभी तक और अभी दूसरे ठेले से लेने जा रहे हैं खरबूजा और पपैया केला वगैरह जो भी है। खरबूजा यहाँ से ले लेने का ना वो तो कुर्ता भी लग रहा है 20 रुपये में कुर्ता कौन बेच रहा है तू बेच रहे भाई सैंपल स्कूल के सामने इतना प्यारा प्यारा कलिंगर है यहाँ पे कितनी सारी चीज लगी है वसीम भाई जबरदस्ती तक वसीम बोले दो मेरे मजाक कर रहे हैं हम लोग खुद आए थे यहाँ पे तो यहाँ से चलो पकौड़िया ले लेते हैं। नॉर्मल डे में ना गाइस प्राइस ना बहुत कम रहता है लेकिन रमजान के टाइम जो प्राइस बढ़ता है ना भाई क्या कड़क कड़क ये इतना कड़क था ना अंकल क्या बोलूँ पूरा कचरा था एक चीज ही था एक पीना बहुत कड़क था बहुत कड़क तो क्या है फिर पपैया लिया जाए वहाँ से पपैया लेते पपैया यहाँ से लेते कहाँ से लेते अरे हाँ क्या भाई बोल रहा था कोई मेरी सुनो मीठा मीठा तरबूज ज़्यादा हाँ तूने कब बोला मैं अब ले लिए तो चले भाई अपन ने पपैया भी ले लिया है तो बस हो गया गाइस अभी ज़्यादा सामान नहीं लेने का 3 सामान हम लोग ले लिए हैं और बस अभी चलते हैं असर की नमाज का भी वक्त हो चुका है और कुछ लेने का नहीं अब क्या लेंगे बस ना और देखो तो लीजिए मेरी प्यारी बेगम साहिबा मैं पूरा सामान लेकर आ गया हूँ काट पीट के रखो असर की नमाज हो गई अजान हो गई ठीक है नमाज पढ़ने की हाँ पढ़ लो आराम से बच्चे लोग को दे दो थोड़ा सा खाने का है ठीक है खाने का तुमको भी चलो अब वो आ रहे हैं नमाज जाके। तो गाइस अभी बच गए हैं 6:30 और यहाँ पर देखिए सालिहा काट रहे हैं इफ्तारी माशाल्लाह माशाल्लाह भाई और लिंगड़ एकदम मस्त लाल लाल है ना माशाल्लाह अल्लाह की प्यारी प्यारी नेमत जो ऐसे तो नसीब होती है लेकिन रमज़ान शरीफ में कुछ ज़्यादा ही इसकी बरकतें होती है तो ज़्यादा नसीब होता है माशाल्लाह। तो ये अलग से हम लोग ने कचरे की बाल्टी बना दिए हैं ताकि कचरा वचरा इसमें डायरेक्ट हम लोग भर के फेंक सकें और गाइस अल्लाह का लाख लाख शुक्र ये भी है कि इस साल सालिहा मेरे साथ में है पिछले साल नहीं तो मैंने बहुत याद किया था पता है तुमको दिल से वो भी मैं भी बहुत याद की थी हाँ माशाल्लाह क्या हुआ अभी आने का तुमको बाजू में बैठने का हम लोग के ठीक है बैठेंगे ना आज सुबह से अब्बा नहीं देखे और माशाल्लाह देखिए प्यारी सी शाम हो गई है बस सूरज डूबने ही वाला है इंशाल्लाह हम लोग कितने हो रहे हैं आज का दिन तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गया और ऐसा मालूम भी नहीं पड़ा के रोज़ा वगैरह थे एकदम नॉर्मल एकदम प्यार मोहब्बत से अल्लाह ने तौफीक दी अल्हम्दुलिल्लाह तो एकदम और हमने घर में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है सिर्फ देखिए सालिहा ने आलू मसाला बनाए हैं एकदम मस्त और ये पापड़ तले चलो पापड़ आलू के साथ खाएंगे बहुत मस्त लगता खाने के अंदर हाँ माशाल्लाह मुझे लगा कि इसको भी हम बहुत खाते थे हाँ क्या तो भाई हम अपने बच्चे को देखो एकदम मस्त टोपी पहना दिए हैं और फातिमा तो सो गई है तो इसलिए फातिमा को नहीं बैठाया बाजू में लेकिन ये बाजू में बैठ के बहुत ज़्यादा है देखो क्या कर रहे हैं। और जैसे कि आप सबको मालूम है गाइस कि हमारे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का 1 तारीख को यौम है तो क्या बोलते हैं अपना यौम विलादत है माशाल्लाह तो हमारे हुजूर गौसे पाक के बारगाह में भी इंशाल्लाह इस साले सवाब पेश करते हैं और अपन अभी थोड़ी देर में दुआ कर सकते हैं तमाम मुसलमानों के बेहिसाब रहीम हमने जो भी नेक आमाद नेक काम किए हैं मेरे मौला इसका सबक बुजुर्ग और से पाक रखने को लाही तारा ये बार बार पेश करता हूँ फातिमा की दुनिया हसन और फिर आखिर के हसन और अपना आजाद है अल्हम्दुलिल्लाह गाइस हमारा रोज़ा खोल के हो गया माशाल्लाह रमज़ान का एक दिन भी चले गया एक रोज़ा भी चले गया हमें मालूम भी नहीं पड़ा सही में आप यकीन माने आज ना सुबह से ज़रा भी मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं रोज़ा हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए सबकी और सबको रमज़ान का रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए तो चलिए चलते हैं अभी मगरिब की नमाज़ पढ़कर आते हैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात कर सालों तुमको कैसा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा रोज़ा मालूम पड़ा रोज़ा थे दूसरा रोज़ा नहीं हाँ दूसरा रोज़ा रखा ऐसे देखते देखते पूरे सब नमाज भी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने मगरिब की
तो गाइस अभी बज रहे हैं 8:10, इंशाल्लाह इशा की नमाज जो है 8:50 पे अदा की जाएगी, फिर उसके बाद तरावी होगी। तो मुझे आप लोगों से ये अर्ज़ करना है कि तरावी जो है ना गाइस 20 रकात होती है और पूरे रमज़ान इसको पढ़ना पड़ता है। लेकिन बहुत से मैंने देखा हूँ व्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को, कि वो सिर्फ 10 दिन की तरावी पढ़ते हैं और ये दिल में गुमान करते हैं कि हमारी तरावी हो गई है। भले से कुरान रमज़ान में एक पूरा मुकम्मल करना चाहिए, लेकिन जो तरावी की है वो पूरे रमज़ान अदा करना पड़ता है इसको। तो ये गुमान में ये गुमान में ये ना रहे कि हमने 10 दिन या 5 दिन या 8 दिन जो भी है पढ़ लिया, उसके बाद में भाई तरावी से क्या बोलते हैं फारिग हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, तरावी पूरे रमज़ान में पढ़ना पड़ता है और 20 रकात पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो बस ये बात है, बरकत वाला रहता है। तो माशाल्लाह बस आप लोगों से यही बोलना है। और शाला तुम कुछ कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अल्लाह पाक ने हमको सेहत दी रोजा रखने के लिए। अल्लाह तेरा। अरे वाह, अरहान को देखो भाई, टोपी पहना और यहाँ देखे अरहान के दादा दादाजी कहाँ थे आप सुबह से? हाँ जनाब, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? हजरत आप सुबह से? हम चांद की दुनिया में गए। अरे माशाल्लाह, हम अपने पुराने ब्लॉग्स देख रहे थे ना, तो उसमें क्या बोलते याद आ रही थी, तो बोला इस बार अब्बा है ही नहीं यार, आमिर भाई के घर पे सो रहे थे, तो शहरी में शफीक भाई के घर पे गए, लेकिन अब्बा नहीं। देखिए गाइस बच्चे लोग आ गए हैं ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए, चलो चलते हैं अंदर जल्दी जल्दी, चलो आओ जल्दी जल्दी आओ। हाँ तो तरावी पढ़ने का समय है। तो गाइस मैं आ गया घर पे और अभी कैसे खाना ना खाने का मन तो कर रहा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सहेली में ही इंशाल्लाह खाएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग आप लोगों को ऐसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप भी सबने प्यार से पड़े ऐसे ही बनाए रखो और मेरी लाइफ जो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ उसको इन्जॉय करो और कमेंट ज़रूर करना।